ये देखिए यहाँ पे इस तरह के जो है ना आइस बन जाते हैं। इस तौर पर लोग जो है ना फ्रिजों में बना के खा लेते हैं, बट हमारा तो नेचुरल है जी। तो इस तरह से पता नहीं क्या क्या लगा के रखते हैं। तो ये मशीन रखी है बंदे ने और ड्रम के अंदर रखा हुआ है ये पाइप। ये तो कुछ काम के है ही नहीं। अब यहाँ देखो यार, मेरे पापा चलाएंगे यहाँ पे। तो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हो आप सभी ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आपका दोस्त। तो मैं काफ़ी लंबे समय बाद जो है ना घर आया हूँ, लगभग 10-15 दिन बाद। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है गांव में सुबह सुबह। ये देखिए भी अच्छा नज़ारा होता है, और सुबह में भी यहाँ पे जो है ना जल्दी उठा जाता है। ऐसे शहरों में तो लगभग इस वक्त तक भी मैं जो है ना बिस्तर में पड़ा रहता था। तो हम जा रहे थे उधर पार पिस्ता को, वहाँ हमने करना है जी स्प्रे वगैरह बोरो मिक्सचर की। मेरे साथ देखिए पूजा है, और जो सबसे पहले जो आवाज़ आती है ना चिड़ियाओं की चहचाने की आवाज़, वो बहुत ही प्यारी होती, बहुत ही मीठी होती है। एक गांव का व्यक्ति ही जान सकता है कि जो गांव का माहौल होता है ना कितना प्यारा होता है। तो यहाँ से आगे देखिए जी, ये क्रैश बैरियर लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा खतरा था। मैंने आपको पीछे की वीडियो में बताई भी थी कि इस वाले एरिया में बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि नीचे को जो है ना डायरेक्ट खड़ दिखता है। मैं आपको दिखाता हूँ आगे चलना। तो ये देखिए जी, पूरी खाई है नीचे तक, और इसमें बन रहा है जी ये क्रैश बैरियर का काम पूरा चला हुआ है। तो आगे देखिए जी कौन है, ये अपना पुलिस भाई। जी ब्रो, कैसे हो? नमस्कार, क्या हाल है? ठीक है? नमस्ते भाई, कैसा है? ठीक है भाई, बढ़िया मस्त है। वीडियो यहाँ देखो, इनका कंपनी का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का वर्क चला हुआ है, चलाने स्प्रे करना। हाँ, स्प्रे करने जा रहे हैं भाई। पता नहीं आप दो स्प्रे कर पाएंगे, आप पाइप के बीच ही उलझ जाने दे। नहीं यार, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। घट गया। ठीक है भाई, मिलते हैं। और ये स्पैन है जी, यहाँ पे स्पैन और यहाँ पे काम चला हुआ है। और उस साइड वाले एरिया में देखो ना, धूप बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। ये क्रैश बैरियर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है जी, पूरे पूरे रास्ते भर में। तो देखिए जी, ये जो पाइप का वर्क चला हुआ था, ये लगभग अब जो है ना 8-9 महीनों में खत्म होने वाला है। उधर पीछे को डैम बनेगा, और ये पाइपों के थ्रू जो है यहाँ से जो है पानी नीचे जा रहा है। पावर हाउस मैंने आपको दिखाया है वीडियो में। ये है जी वो ठंडा पानी, गर्मियों में तो बहुत ज्यादा ठंडा होता है, बट आजकल ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ठीक है। क्योंकि ये जो है ना एक तरह का ये चश्मे का पानी हो गया, क्योंकि ये जमीन के नीचे से दबके आता है ये वाला पानी। यहाँ है जी जंगल के साथ वाले रास्ते में बर्फ पड़ी हुई है हल्की सी। देखिए जी, मेरा गांव यहाँ से इस तरह का दिखता है। ये गांव का आधा हिस्सा है, और एक हिस्सा उसके साथ परे है, और एक हिस्सा उसके साथ ऊपर में है। तीन हिस्से में है ये, और जो गांव का चौथा हिस्सा है ना वो नीचे है विकास नगर। सर्दियों में जो है कहीं पर भी अगर ऐसा पानी रुक जाए ना, तो ऐसा बनता है जी ये बर्फ। ये देखिए यहाँ पे इस तरह के जो है ना आइस बन जाते हैं, जो कि खासतौर पर लोग जो है ना फ्रिजों में बना के खा लेते हैं, बट हमारा तो नेचुरल है जी। ये देखिए नेचुरल। बान का पेड़, और यहाँ पे पापा जी चढ़े हैं, आपको दिख रहे होंगे। और नीचे इसकी पत्तियां देखिए जी, ये है, और पापा जी यहाँ पे चढ़े हैं, बहुत हाइट पे जाते पेड़ में। तो ये जो है ये सदाबहार के पेड़ होते हैं बान। तो इसकी जो पत्तियां हैं ना, हम सर्दियों को ये वाली पत्तियां ये उठाएंगे, उसके बाद हम जो है इसको लेके जाएंगे अपने जो गाय और भेड़ बकरियां हैं उनको देते हैं हम सर्दी भर में, और कुछ हरा घास वगैरह खिलाते हैं। और सूखी हुई जो पत्तियां हैं ना वो आपको मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आपने देखना। ये लखन बाया का जो है ना यहाँ पे आगे डोगरी है। तो एक दिन जो है यहाँ पे नीचे हमारा बगीचा है उधर को भी, वहाँ पे पापा जी ने स्प्रे करी थी, तो उसको जो है ना
यहीं पे रखा हुआ है दोगरी में। भाई ने बोला कि आपने जाना वहाँ पे रखा हुआ है, तो मैं वो निकाल लेता हूँ एक बार। यहाँ पे रखाया हो रहा था तो इस तरह से पता नहीं क्या क्या लगा के रखे इसने भाया ने यहाँ पे, तो यहाँ पे खोल दिया जी मैंने। यहाँ रखी है जी मशीन, देखिए अच्छी तरीके से रखा हुआ था और ड्रम के अंदर रखा हुआ है ये। अभी ये मैं जो पाइप है ना इसको मैं धूप में रखूँगा, क्योंकि धूप में रखने से थोड़ा ये नरम हो जाएगा ना, सख्त हुआ था। ये छोटा सा मशीन ला के थक गए वहाँ से, अब ये किल्टा भी लाना है, वहाँ नीचे से पत्ती भी उठाना है, काफी काम है अभी तो। ये देखिए गाइस, ये अर्नब के पापा, ये ठंड के कारण लगाना पड़ रहा है यहाँ पे। ये जो है ना घर की बिल्कुल से ठंडी हवा आ रही है। अभी हम करेंगे ये बोरो मिक्सचर की स्प्रे, वो है जी उधर खेत आगे को। मेरे ससुर ना बहुत ही मेहनती है, बहुत काम करते हैं, बहुत ज़्यादा। हमारे पति लोग, मेरे पति तो बहुत ही आलसी है, बहुत लेट उठता है। मेरे ससुर सुबह उठ के चाय पी के सीधा पत्तियाँ लेने आते हैं गाय बकरियों को। ये तो कुछ काम के है ही नहीं। अब यहाँ देखो यार, मेरे पापा चलाएंगे यहाँ पे। ये देखो पापा ने किया चालू मशीन और अभी हम स्प्रे करके फ्री हुए हैं। अभी हम जो है मेरे पीठ में आप देख रहे हो ना, ये वो बांध के पत्ते हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था। ये जो है आजकल ना इतना एनर्जी का काम करती है भेड़ बकरियों को जो है, तो ये लगभग 2-3-4 दिनों का स्टॉक बनता है। और कुछ हरे पत्ते जैसे ये हरा हुआ सूखे घास और सूखे पत्ते वगैरह जो जो कुछ भी होता है वो खिलाते हैं। फिर उसके बाद तो इन्होंने जो है ना अप्रैल के बाद ये निकल जाएंगे जी जंगलों में, और वहाँ पे उनका सब कुछ रहना सहना हो जाता है। फिर लगभग 9 महीने बाद ही वो नीचे उतर आते हैं। 6 महीने वो कंडे में रहेंगे, 3 महीने जंगल में चुगते हैं। तो 3 महीने हमारे को जो है ना इनको खुद में ही पालना पड़ता है। फिर दुमो वाली उस गाय की बच्ची है, और ये वाली वो बेचारी मरी हुई बुढ़ी गाय की बच्ची। इन दोनों दोस्त है आपस में सहेलियाँ, और ये हमारी बड़ी गाय। तो इसमें हम सर्दी में पानी वगैरह स्टॉक करके रखते, कई बार पानी नहीं आता है ना तो उसके लिए। और इस तरह से जो पूजा ने ये सेब के ये जो लाए हुए ना टहनियाँ, ये है इनको भी देते हैं थोड़ा, ये भी चबाएंगे इसको। सेब तो बिल्कुल भी नहीं घटा हुआ इनका, अभी भी ठीक है, अच्छे खासे है। ये देखो कैसा खा रहे हैं, ये बहुत रसीला होता है ना आजकल, तो काफ़ी टेस्टी होता है। तो गांव में तो देखिए जी इस तरह की धूप लगती है, और मज़ा ही कुछ और है धूप सेकने का। ये धूप ऐसी आ रही है, मैं फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ अभी वाला ब्लॉग, और उधर को मम्मी अभी बैठे हुए है तो धूप का आनंद ले रहे हैं। दिन के 3 बजे है जी अभी भी, हाँ मज़े आ रहे हैं। उधर रूम के पास तो बिल्कुल भी धूप नहीं आता है वहाँ पे, वहाँ लोगों के किसी और के लेंटर पे जाके धूप सेकना पड़ता है। हेलो गाइस, ये भाग गया वहाँ। तो इसी के साथ मैं ये वाली ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ जरूर एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।